नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आईपीएल 2022 आरसीबी टीम के सातवें मुकाबले से पहले उनसे बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही, जिसके बारे में आगे सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। क्या है खुशखबरी, सारी बात करेंगे। तो भाई, अगर आप भी आरसीबी के फ़ैन हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। वही दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे ही डेली अपडेट्स आप तक हमेशा पहुंचती रहे। ओनली आरसीबी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, अगर उसे ज्वाइन नहीं किए हो तो याद से ज्वाइन कर लो। वहां भी आपको आरसीबी टीम से जुड़ी और क्रिकेट की हर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लगातार मिलती रहती है। तो भाइयों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाइए वहां पर उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आईपीएल 2022 में आरसीबी आज अपना सातवां मुकाबला खेलने वाली है। आरसीबी बनाम लखनऊ के बीच में मैच होगा, आरसीबी टीम का सातवां मैच होगा। इससे पहले उन्होंने 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 4 में जीत मिली है, जबकि 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। ये मैच भी आरसीबी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि लखनऊ सामने है और लखनऊ को हराना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इनके बल्लेबाज अच्छे फॉर्म में हैं, इनकी गेंदबाजी भी अच्छी हो रही है। तो देखना ये होगा कि आरसीबी टीम कैसे इस मुकाबले को जीत पाती है। वहीं दोस्तों, इस मैच से पहले आरसीबी टीम से खुशखबरी ये है कि उनके तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड बहुत ही शानदार फॉर्म में है। हेजलवुड ने फिलहाल जो है 2 या 3 मैचेस ही खेले हैं आरसीबी टीम के लिए, लेकिन इन मैचों में उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी की है वो आरसीबी टीम के स्ट्राइक गेंदबाज बनकर उभरे हैं। इनसे पहले टीम में हर्षल पटेल ने अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, सिराज भी टीम में थे, लेकिन सिराज का इतना अच्छा फॉर्म इस बार नज़र नहीं आ रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा रन्स दे रहे हैं। लेकिन जब से हेजलवुड आए हैं रन्स को तो काबू में रखा ही हुआ है, अच्छे इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी कर रहे हैं, इसके अलावा नियमित अंतराल पे विकेट्स भी चटका देते हैं। तो हेजलवुड के आने से आरसीबी टीम की गेंदबाजी यूनिट और ज़्यादा मजबूत हो गई है। फैंस से ही उम्मीद करेंगे कि अगले मैच में भी हेजलवुड जो है शुरुआत में ही सामने वाले टीम को झटका दे और डेथ में भी अच्छी गेंदबाजी करे। इसके बाद दोस्तों, अगली खुशखबरी ये है कि ग्लेन मैक्सवेल का शानदार फॉर्म, मैक्सवेल ने भी 3 या 4 ही मैचेस खेले हैं आरसीबी टीम के लिए फिलहाल, लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि आईपीएल 2021 के फॉर्म को वो 22 में कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले ही मैच की बात कर लीजिए, कुलदीप यादव के एक ही ओवर में उन्होंने 23 रन जड़ दिए थे। उन्हें जो है सिचुएशन से फ़र्क नहीं पड़ता है कितने विकेट गए हैं, कितने विकेट बाकी है, वो जैसे ही आते हैं ताबड़तोड़ पारी खेलना शुरू कर देते हैं, और यही आरसीबी टीम के लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो भाइयों, मैक्सवेल का यही फॉर्म जो है अगर जारी रहेगा तो आरसीबी टीम की बैटिंग लाइनअप को बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी। फैंस ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि फैफ डुप्लेसी और विराट कोहली भी मैक्सवेल के साथ अच्छी पार्टनरशिप करें, वो भी फॉर्म में आ जाए, उनके बल्ले से भी रन्स निकले, क्योंकि कार्तिक शाबाज जैसे बल्लेबाज अच्छे फॉर्म में हैं। लगातार आरसीबी टीम को बैटिंग लाइनअप को संभाल के रखा हुआ है, इसके साथ ही मैक्सवेल भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो मात्र जो है फैफ डुप्लेसी और विराट कोहली का फॉर्म में आना बाकी है, अगर ये भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं तो आरसीबी की बैटिंग लाइनअप और ज़्यादा मजबूत दिखेगी। तो दोस्तों, यही कुछ खुशखबरी थी जो आरसीबी टीम से आ रही थी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।